करना चाहती है भारत की ताकत की खोज। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। लेह लद्दाख में इन दिनों भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं और यह भी हर कोई जानता है कि चीन कभी भी धोखा देने से पीछे नहीं हटेगा। इसलिए अब बॉर्डर पर भारत ने अपने जासूसों की संख्या भी बढ़ा दी है ताकि चीन की हर हरकत का जवाब दिया जा सके। दूसरी तरफ चीन पहले ही ड्रोन को जासूस बनाकर भारत की सीमा में दखल देता रहा है, लेकिन अब भारत के पास इन हथियारों की फौज है जो चीन के शोर को खामोश करने का दमखम रखती है। लद्दाख में इन दिनों चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने हैं। गलवान घाटी में गद्दार चीन का चेहरा भी हिंदुस्तान देख चुका है। ऐसी गलती दोबारा ना हो, अब इसका ध्यान रखना पड़ेगा। चालबाज चीन बातचीत का कितना भी स्वांग रचे, उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए जमीन से आसमान और आसमान से पानी तक चीन की हर हरकत और हर मूवमेंट पर निगरानी रखनी होगी। गलवान में चीन ने जो गुस्ताखी की उसका जवाब तो भारतीय सेना देगी ही, लेकिन साथ ही साथ बॉर्डर पर भारतीय सेना ने अपने कुछ जासूसों को तैनात किया है जिससे चीन का पर्दाफाश किया जा सके। भारत के पास में बहुत ही अच्छे तरह के ड्रोन है, जो है एक अच्छे ड्रोन है जो काफी इलाके में मध्यम हाइट पे रह के काम कर सकते हैं, और इसके अलावा सैटेलाइट भी होते हैं, फिर लोकल सर्वेलेंस होता है, इंटेलिजेंस होती है, तो सब मिलके काम करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान की सेना ने अपने अपने जासूसों को काम पर लगा दिया है, और सिर्फ भारत ही नहीं चीन की सेना भी मूवमेंट पर ड्रोन्स के जरिए नजर रख रही है। पूर्वी लद्दाख में सर्विलांस के लिए दोनों तरफ से कई एडवांस ड्रोन तैयार किए गए हैं। जिन जगहों पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, वहां ज्यादा से ज्यादा ड्रोन यूज करने के निर्देश भारतीय सेना को मिले हैं। खबर तो ये भी है कि 15 जून को गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई, उससे पहले भारतीय सैनिकों को ट्रैक करने के लिए चीन ने थर्मल इमेजिंग ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। इसके बाद अब भारतीय सेना ने भी चीन की हर चाल का पता लगाने के लिए पूरी तैनाती की हुई है। आज हम आपको भारत के उन जासूसों की पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे जिसको देखकर आपको अपनी सेना पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ। आगे आपको दिखाएंगे भारतीय सेना के पास वो कौन कौन से ड्रोन हैं, चीन पर निगरानी के लिए जो सबसे अहम है। चीन की चालाकी के बारे में तो आपने जान लिया, भारत की ताकत को भी समझ लीजिए। जो चालबाज चीन को उसी की भाषा में जवाब देंगे, वो भी इस तरह कि चीन दोबारा इस तरह की हिमाकत नहीं कर पाएगा।
चीन और भारत की सेनाएं किस तरह से एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये तो आपने जान लिया। अब आपको बताते और दिखाते हैं कि आखिर वो कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जो चीन के खिलाफ भारत के लिए जासूस का काम कर रहे हैं। भारत के उस ड्रोन की जानकारी आप तक पहुंचाएं जिसने ड्रैगन की नाक में दम कर रखा है, उससे पहले जरा वो सबूत देखिए जो भारतीय जासूसों ने चीन का पर्दाफाश करने के लिए पहुंचाए हैं। देपसांग मैदान चीन के छल कपट का ताजा गवाह है। ये साइट भारत और चीन की अल्प परिभाषित सीमा पर स्थित है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि चीन ने LAC के ठीक पीछे पूर्वी लद्दाख में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स का भारी जमावड़ा कर रखा है। गलवान घाटी, देपसांग मैदान, तियान वेंदियन पोस्ट, पेंगोंग ले, हर जगह की ताजा तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, उसे उसकी भाषा में जवाब देना ही सही है। इसीलिए आज हवा में भारत के वो वीर हैं जो चीन की कार्रवाई का जवाब उसी की भाषा में देना जानते हैं। कुछ ऐसे ही जासूसों से आज हम आपको मिलवाते हैं। एरिया की क्लियर कवरेज देता है आर्मी का क्वाडकॉप्टर। भारतीय सेना अपने भरोसेमंद क्वाडकॉप्टर का इस्तेमाल LAC पर भी कर रही है। इसकी क्षमता भले ही सीमित हो मगर ये इलाके का क्लियर कवरेज देता है। यह एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर पूरे एरिया को स्कैन करता है। इसमें दिन और रात के लिए अलग अलग कैमरे होते हैं। इसे मुख्य रूप से इन्फेंट्री बटालियंस यूज करती है। एक 1000 किलोमीटर तक जा सकता है हेरॉन। हेरॉन इजराइल से भारत को मिला वो नगीना है जिसने इन दिनों बॉर्डर पर चीन की नाक में दम कर रखा है। हेरॉन मीडियम रेंज का ड्रोन है जो लंबे वक्त तक इस्तेमाल के लिए बना है। यह इतना खास है के रणनीतिक रूप से अहम मिशंस में इसका यूज होता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द